और ये इसीलिए है क्योंकि पेपर का लेवल काफी बढ़ गया है और लेवल बढ़ने की वजह से इवन इफ यू प्रिपेयर हार्ड इट बिकम्स लिटिल कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा सो so ये फेज के बारे में है फेज वन को हल्के में मत लीजिएगा इवन इफ यू आर गुड इन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बेस्ट ऑफ लक टू यू नेक्स्ट इज अबाउट फेज टू फेज टू का पैटर्न भी बिल्कुल अलग है अगर आप दूसरे एग्जाम्स देखेंगे उनसे बिल्कुल अलग है Here you get three papers. Paper one, which is economic and social issues, people also call it ESI. Paper two is English, descriptive English, where you have to write essay, comprehension, and pressy writing. And paper three is finance and management, where people also call it FM. All of these three papers, paper one, paper two, paper three, are of hundred marks each, which makes it 300 in total.

रिफ्लेक्ट ऑन यूर कंप्यूटर दिस इज नॉट पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम और इंग्लिश का जो एग्जाम है यह बिल्कुल टोटली डिस्क्रिप्टिव है इसमें तीनों क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आते हैं एक ऐसे एक प्रेसी और कॉम्प्रीएशन तीनों क्वेश्चन है देर आर नो एमसी क्यूज इन इंग्लिश सो ओवरऑल इफ यू सी दैटर्न इज मोर अलाइन टू वर्ड डिस्क्रिप्टिव तीन सौ में से पचास यहां पचास यहां सौ यहां दो सौ नंबर इज योर डिस्क्रिप्टिव पेपर सो दिस इज दर्टर्न

अब एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं पैटर्न के बाद सो एलिजिबिलिटी में द फर्स्ट क्राइटेरिया इज एज सो योर एज हैज टू टू बी ग्रेटर देन इक्वल 21 और लेस देन 30 इफ वी टॉक अबाउट द अनिजर्व कैटेगरी बट फॉर एस सी एस टी देर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ फाइव इयर्स एंड फॉर ओबीसी इज अ रिलैक्सेशन ऑफ थ्री ईयर मोर ओवर इफ यू आर वर्किंग इन अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नबाड सेबी सिडबी एनएचबी एंड आरबीआई एनआरबीएचएल और एनी कमर्शियल बैंक पब्लिक और प्राइवेट लाइक आईसीआई एच डी एफ सी पी एन बी यू आर एलिजिबल फॉर एक्सम्शन राइट फॉर अप अपू थ्री इस बट इक्वल टू योर एक्सपीरियंस अगर आपको एक साल का एक्सपीरियंस है इन in इंस्टीट्यूशन में यू विल बी एलिजिबल फॉर एक्सम्सन दट इज एज रिलैक्सेशन ऑफ वन ईयर दो का है तो दो साल रिलैक्सेशन मिलेगा तीन का है तो तीन साल लेकिन अगर चार साल का एक्सपीरियंस है तब भी मैक्सिमम यू आर एलिजिबल फॉर इज थ्री and while you calculate your experience you cannot include your probation period so if your total experience is 3 years but usme se 2 probation hai, so the actual experience that would be counted for this relaxation would be 1 year so probation nahi count karni hai jo bhi experience count karna hai, that has to be counted at an officer level not at the clerical level i hope this is clear now moving on to the qualification very simple hai guys you need to be a plain graduate in any field फार्मा होटल मैनेजमेंट आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर भाई को भी 60 परसेंट लाने पड़ेंगे बिकॉज उनको यहां पे रिलैक्सेशन नहीं है सो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद्सटी परसेंट राइट एंड विद रिलैक्सेशन 50 परसेंट और और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन राइट विद 55 परसेंट so, सो या तो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो दोनों में से एक ही चाहिए अब पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट तो अपने आप हो जाओगे बट पोस्ट ग्रेजुएशन इज नॉट नेसेसरी सो यू कैन बी अ प्लेन ग्रेजुएट बट विद 60 परसेंट मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन बट सपोज आपके ग्रेजुएशन में सिक्सटी नहीं है देन इफ यू हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन और उसमें आपके 55 फाइव परसेंट है देन यू आर एलिजिबल और यहां पे एस सी और पीडब्ल्यू को पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ पास मार्क्स चाहिए तो काफी रिलैक्सेशन है ठीक है एंड मार्क्स मार्क्स जिन हम की बात कर रहे हैं हैं आर एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर काफी बच्चे पूछते क्या सर एक सेमेस्टर में अगर मार्क्स कम है सो आई विल बिकम इन एलिजिबल द आंसर इज नो दिस इज एन एग्रीगेट सो आपके एक सेमेस्टर में अगर 40 परसेंट भी है बट ओवरऑल योर परसेंटेज इज लाइक 60 और 55 फाइव वॉट कंडीशन यू वांट टू फिलफिल जिबल फॉर दिस एग्जाम इन टर्म क्वालिफिकेशन ठीक है बाकी यार फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल बिल्कुल नहीं जब आप फॉर्म भर रहे हैं आरबीआई का आपके पास आपके फाइनल ईयर के मार्क्स होने चाहिए बिल्कुल पास होने के बाद मार्क्स होने चाहिए इस डिस्टेंस एजुकेशन कंसिडर्ड वैलिड बिल्कुल डिस्टेंस एजुकेशन इज कंसिडर्ड वैलिड इज पोस्ट ग्रेजुएशन नेसेसरी आई टोल्ड यू नो मार्क्स टू बी ऑप्टेड आर इन सेमेस्टर और एग्रीगेट दे आर इन एग्रीगेट एक सेमेस्टर में कम भी हो चलेगा बट एग्रीगेट मार्क्स उस कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए जो हमने पिछली स्लाइड पे देखी थी नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिसेबस राइट सो सिलेबस में सबसे पहले आई टॉक अबाउट दी आरबीआई बी फेज वन सिलेबस फेज वन सिलेबस

क्वांट के लिए ये टॉपिक्स हैं आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं रीजनिंग के लिए ये टॉपिक्स हैं और इंग्लिश के लिए ये टॉपिक्स हैं। सो ठीक है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए काफी लोग एसएससी वाले टॉपिक्स पढ़ने, पढ़ने लग जाते हैं या कैट वाले टॉपिक्स पढ़ने लग जाते हैं बहुत सारा ओवरलैप होगा बट दीज आर स्ट्रिकली दॉपिक्स दैट यू नीड टू फॉलो फॉर योर एग्जाम दैट इज आर ग्रेड बी ठीक है तो ये आपका फेज वन का सिलेबस है अबाउट नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थर्मल पावर प्लांट्स वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे दिस स्ट्रटिक डिराइव्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स फॉर एग्जांपल अभी चाइना में एशियन गेम्स हो रहे हैं तो आप उसमें याद रखेंगे कि इस बंदे ने टेनिस में मेडल जीता इस टीम ने क्रिकेट में मेडल जीता दैट इज अबाउट करंट अफेयर्स बट उससे रिलेटेड कुछ अगर वो पूछ लें कि एशियन गेम्स काउंसिल का कहां पे दैट इज द स्टैटिक दिच इज रिलेटेड विच इज डिराइव फ्रॉम करंट अफेयर्स मतलब एशियन गेम्स की बहुत सारी न्यूज आ रही है आप पढ़ रहे हो आप रट्टा मार रहे हो बट उन न्यूज में कहीं ना कहीं कुछ स्टैटिक नॉलेज होगा चाइना का कैपिटल क्या है बिकॉज चाइना में हो रहे हैं

अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूं तो आप दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स में भी यू रीड लॉट ऑफ बैंकिंग न्यूज व्हाट इज डिफरेंट डिफरेंटर इज आरबीआई बी नोटिफिकेशन रिपोर्ट्स एंड प्रेस रिलीजेस ऑलमोस्ट फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट आउट ऑफ दिस मार्क्स वुड बी फ्रॉम आरबीआई रेगुलेशन अदर बैंकिंग एग्जाम एंड हेयर रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स पे भी काफी क्वेश्चन पूछेंगे एंड अगेन दिस माइट बी आज इन अदर एग्जाम्स बट द डेप्थ विच इज इज टोटली डिफरेंट ये करना पड़ेगा

उट अबाउट इट तो यहां पर हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा राइट आई मीन इन डेप्थ इन डेप्थ पढ़ना होगा जो भी उस इवेंट से रिलेटेड न्यूज है वो ऐसे नहीं पूछते हैं कि

बैलेंस्ड है सो इस इस स्टैटिक पार्ट को कवर करने के लिए ठीक है और इस स्टैटिक पार्ट को कवर करने के लिए दिस इज सिलेबस दैट इज गिवन इन योर नोटिफिकेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर इंडिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज बेसिकली अबाउट आर जी डी पी आर सस्टेनेबल एनवायरमेंट रिलेटेड मेजर्स आर पॉवर्टी एलिवेशन रिलेटेड मेजर्स Then Indian economy is about monetary policy, fiscal policy, union budget, economic survey, all that. Globalization is all about now international economic institutions, balance of payments, WTO, IMF. And social structure in India is about social issues. Health, education, gender inequality, social justice, whatever social samajik we that has to be covered here. This syllabus has changed a but I have taken the old screenshot अभी भी ये मेरे से रिलेवेंट है बट आई डोंट थिंक आप इसको छोड़ सकते हो दे आर एज मच एज पार्ट ऑफ सिलेबस एज दे वर्यर सो ये सिलेबस है बट स्टार्टिंग के लिए आई थिंक क्योंकि सिर्फ पांच नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ रहा है और बीस नंबर का डिस्क्रिप्टिव में आ रहा है

स्टैटिक में जो पांच नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव में और डिस्क्रिप्टिव में जो मैंने आपको बताया था ये पच्चीस नंबर के आएंगे इसके लिए ये तो करना ही करना है शुड वी लीव अदर चैप्टर्स नहीं बिकॉज जो डिस्क्रिप्टिव में पच्चीस नंबर है वो शायद यहां से आ जाए लेकिन जो बाकी चैप्टर्स हैं, इट कैन बी आज फ्रॉम दैट ऑल्सो सो फॉर दिस ट्वेंटी इन दी डिस्क्रिप्टिव पार्ट यू हैव टू कवर ऑल दी चैप्टर्स बट दीज आर दी मेन चैप्टर्स और ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में इधर जो स्टैटिक आएगा वो तो यहीं से आएगा वो यहीं से आएगा सो so, इस इसपे ज्यादा टाइम लगा लो बाकी चैप्टर्स छोड़ना नहीं करना है बट वो जल्दी हो जाएंगे इट विल टेक फिफ्टी परसेंट ऑफ योर टाइम और मे बी सिक्सटी परसेंट ऑफ योर टाइम बाकी चैप्टर्स सारे चैप्टर्स फोर्टी परसेंट टाइम में आपके कवर हो जाएंगे ठीक है तो ये स्टैटिक के बारे में हो गया नाउ इफ आई टॉक अबाउट करंट यहां पे करंट का वेटेज बहुत ज्यादा है ESI में यू हैव टू कवर रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स कितने महीने के करने हैं सिक्स योर एग्जाम मतलब जो भी स्कीम और रिपोर्ट न्यूज में है न्यूली रिलीज है, या पुरानी है, में है उससे ज्यादा नहीं इफ संबडी टेल्स ट्वेल्व जस्ट टेल देट लिसन टू यू माई मेंिस क्योंकि छह महीने का ही आप पढ़ पाएंगे उससे ज्यादा इंपॉसिबल है और इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं

there is a suggested reference material. So this is not syllabus, but this is suggested reference material in your ESI uh, syllabus uh, in your notification. So तो उसमें उन्होंने कुछ reports की बात की है, जैसे कि World Development Report. इसमें से question आया था. ये देखिए. ये 2023 में question आया है. Then there is Currency and Finance Report. ये वाला. इसमें से ये question आया है. So, ये जो रिपोर्ट्स हैं, दो दिस इज पार्ट ऑफ योर सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल, बट गई हैं इकोनॉमिक सर्वे आरबीआई रिपोर्ट रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया आई एम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये सारी रिपोर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनको पढ़कर ही जाइएगा आप देख सकते हैं यहां पे आई थिंक पंद्रह पंद्रह मार्क्स के दो क्वेश्चन आए स्ट्रेट अवे

डी पे हो गया कोई कुछ भी हो गया मतलब है ना टेक्नोलॉजी इंटरनेट पे सोशल मीडिया, मीडिया इन कॉम्युनिकेशन ऑफ आई टी इन कॉम्युनिकेशन आ गया मून एंड दन सोशल इश्यूज पे आ गया व्यूज तो ये सारे टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे आपके पेपर में इन एरिया से यू वु वन काफी लोग आई थिंक सोशल इशूज या इसी पे करते हैं राइट दीज आर वेरी सेफ टॉपिक्स इनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं प्रेसीज आर लाइक यू आर गिवन अ पैराग्राफ एंड यू हैव टू नो समराइज इट नॉट एग्जैक्टली समराइज इट बिकॉज प्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम समरी बट इफ यू डोंट नो वट इज अ प्रेसी जस्ट जस्ट टेक इट नो एज एन एग्जाम्पल दैट प्रेसी इज अबाउट समराइजिंग द पैसेज गिवन दिट आपको उसको समराइज कर कर अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो वो जनरली एक न्यूज पेपर में से उठा के आपको देते हैं एंड यू वुड हैव टू समराइज इट एंड देन रीडिंग सेम जो हम 10 12th में करते थे वही पे आएगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट नथिंग मच डिफरेंट आई पचास घंटे में कोई देता नहीं है सो बेस्ट ऑफ लक टू यू इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू गिव टाइम स्कोरिंग सेक्शन एफर्ट इन माई ओपिनियन करना कुछ नहीं है न्यूज पेपर पढ़ो रात को अगले दिन जो भी पढ़ा कोई एडिटोरियल पढ़ा उसको अपने वर्ड्स में ट्राई टू राइट एन एसे ऑन इट और ट्राई टू समराइज इट इन फॉर्म ऑफ प्रेसी कीप डूइंग इट यू विल इंप्रूव नॉट ओनली इन योर कॉन्टेंट बट इन योर राइटिंग स्किल ऑल्सो नेक्स्ट मैनेजमेंट एफ की बात करें तो फर्स्ट आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट इज द मोस्ट स्कोरिंग ये टॉपिक्स हैं आपके बहुत बेसिक्स हैं पर्सनैलिटी परसेप्शन मोटिवेशन लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ऑल दी मेन टॉपिक्स आई हैव हाईलाइटेड इन येलो हेयर और इसमें कोई भी करंट अफेयर नहीं है कोई करंट अफेयर नहीं है यहां द टॉपिक्स आर लिमिटेड सीरियसली आई मीन सिलेबस इज लिमिटेड एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी टेक्निकल थोड़ा सा रिमेंबर करने में मुश्किल होगा बट आर वेरी सिंपल टॉपिक्स पढ़ के समझ आएगा बट थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा सो so, यहां पे आए नॉर्मली टेल में 50 फिफ्टी यार्टी 40 45 तो लेके आओ मार्क्स में से पचास नंबर का मैनेजमेंट आएगा पचास का finances, 50 में से 40 -45 और इसके लिए कुछ नहीं करना है, को पढ़ना है समझना है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है सब कुछ पढ़ना है कमिंग ऑर टू फाइनेंस तो एफ में पचास नंबर का मैनेजमेंट हो गया बाकी पचास नंबर का फाइनेंस हो गया अब उसमें से एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं होता है ठीक है बट लेट से पूरा बैलेंस पेपर है पच्चीस नंबर का ऑब्जेक्टिव आ गया पच्चीस नंबर का डिस्क्रिप्टिव आ गया अब इस ऑब्जेक्टिव में आठ नंबर का करंट आएगा सत्रह नंबर का स्टैटिक नॉर्मली अब ये दस भी हो सकता है वो पंद्रह भी हो सकता है डिस्क्रिप्टिव में भी अराउंड से ज्यादा वेटेज थोड़ा करंट का रहता है बट स्टैटिक भी क्वेश्चन आ जाता है तो स्टैटिक ये सत्रह और ये दस के लिए ये सिलेबस है आपका ठीक है अब ये आप देख सकते हैं येलो पार्ट इज द वन हैज बीन रिसेंटली अपडेटेड इन 2023 नोटिफिकेशन तो थोड़ा थोड़ा उंगली आरबीआई करती रहती है सिलेबस चेंज करके हर साल एक दो टॉपिक ज्यादा नहीं तो इसमें अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स है वही आपकी कैपिटल मार्केट्स मनी मार्केट्स जहां पे पैसा ट्रेडिंग वगैरह होती है देन अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम जो भी हमारे स्तंभ है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ठीक है हमारा स्ट्रक्चर है बैंकिंग का

ये सत्रह और ये दस मार्क के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वन ये कोर है इंपॉर्टेंट तो है this, finance, out, बाकी चैप्टर्स छोड़ने नहीं है इनके अलावा बाकी चैप्टर्स अगेन छोड़ने नहीं है बिकॉज ऑब्जेक्टिव तो शायद इन्हीं में से आएगा जो भी मैंने ये इंपॉर्टेंट बताए हैं जो ये ऑब्जेक्टिव है ये ज्यादातर उसी में से आएगा स्टैटिक पार्ट इन दिस्क्रिप्टिव कैन बी आज फ्रॉम अदर चैप्टर ऑल्सो तो इसको मेन प्रायरिटी देनी है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैश फ्लोज एंड रेशो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स रिस्क मैनेजमेंट इन्फ्लेशन डेरिवेटिव बॉन्ड्स फंक्शनआई फिजिकल पॉलिसी फाइनेंशियल इंस्ट्यूशन ये मेन चैप्टर है आपके और ये अगर कर लिए तो बाकी चैप्टर्स विच आई एम आस्किंग यू नॉट टू लीव कैन बी डन वेरी इजिली इफ यू स्पेंड सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ऑफ योर टाइम हेयर इन रेस्ट 30% आप जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको फिनिश कर दोगे ये मेरी गारंटी है बट ये अच्छे से कर लेना बाकी करंट की बात करूं तो यहां करंट का वेटेज कम है यहां पे आपको मेनली आरबीआई नोटिफिकेशंस पढ़नी रहेंगी आरबीआई के जो भी रेगुलेशंस हैं नोटिफिकेशंस हैं जो नए आए हैं एग्जाम से 6 महीने के आजू-बाजू इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट ठीक है यूनियन बजट पढ़ो और

और जैसा मैंने बताया आरबीआई नोटिफिकेशन आपकी ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की न्यूज हो गई इकोनॉमिक सर्वे बजट हो गया और सेबी की न्यूज भी कर लो और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स हैं जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उनको भी जरा पढ़ लें दे वर नॉट आस्क अर्लियर बट ऑफलेट हैव स्टार्टेड आस्किंग दी स्कीम्स आल्सो इन योर फाइनेंस सेक्शन सो ये पूरा आपका फाइनेंस का सिलेबस और स्ट्रेटेजी मिक्स हो गया है राइट right? और इनमें भी आपके फाइनेंस के सिलेबस में नोटिफिकेशन में भी कुछ रिपोर्ट्स मेंशन है सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल में लाइक आरबीआई एनुअल रिपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस इकोनॉमिक सर्वे ये आपको जरूर करनी है इनमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एज आई शोड यू ई एस आई सेक्शन बाकी एग्जाम डेट्स लास्ट पार्ट अभी देखिए जो आरबीआई का जनरली नोटिफिकेशन देखा गया है वो फेब और अप्रैल के बीच में आ रहा है लास्ट थ्री इयर्स से उससे पहले जून और सितंबर के बीच में आता था ठीक है बट भाई ये अप्रैल के स्पेलिंग बहुत गलत लिख दिया मैंने तो फेब और अप्रैल के बीच में जनरली एक्सपेक्टेड रहता है पिछले तीन साल से ऐसा ही हो रहा है सो आइडली वी शुड एक्सपेक्ट बिटवीन दिस टाइम इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ऑल्सो दोटिफिकेशन टू अगर नोटिफिकेशन अप्रैल में आता है योर एग्जाम माइट बी हेल्ड इन जून द फेज वन एंड फेज टू इन जुलाई

तो आप अपना केस सिनेरियो लेके चलो कि नोटिफिकेशन अप्रैल में और फेज वन जून में हो सकता है बट देन आई मीन इज लॉट ऑफ पता कुछ नहीं है पता लगे नोटिफिकेशन फर्स्ट जैन को भी ठा करके न्यूज में आ गया और पता लगा कि आई ये क्या हो गया तो वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी बट अगर आपको अभी शुरू कर रहे हो तो ऑब्वियसली जैन में तो आप नहीं प्रिपेयर कर पाओगे है ना तो मतलब बेटर है कि आप एक सैनारियो लेके चलो कि जैन में हो गया तो हाथ खड़े हैं भाई लेकिन अगर अप्रैल में आया जून में एग्जाम है सो आई बी प्रिपेयर सो अपनी स्पीड से बढ़ो फोकस ऑन क्वालिटी की गाइडबुक है ठीक है तो अगर आपने गाइड बुक नहीं डाउनलोड की अभी तक आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डाउनलोड दिस गाइडबुक थ्रू लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इट इज टोटली फ्री टू डाउनलोड दिस एंड दिस गिवस यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी

बिल्कुल कुछ इसके साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कोई बुक न्यूज कुछ नहीं पढ़ना हम फेज टू देते हैं फेज वन का करंट अफेयर तो दे देते हैं बिकॉज एनी वेज यू नीड इट और साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन इसमें भी रहेगा सो यू डिसाइड फॉर योर सेल्स वॉट यू नीड वी विल नो वेलकम यू इन आर कॉम्युनिटी इट वुड बी ग्रेट टू टीच यू गाइड यू में इसका अगर आप सैंपल मेटेरियल देखना चाहते हैं देर इज अन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो डाउनलोड करो पढ़ो फ्री में चेक द क्वालिटी चेक दी कॉम्प्रीसिवनेस अगर लगे कि थोड़ा ट्रस्ट बन रहा है तो डीज पीपल कैन मेक मी रीच माई डेस्टिनेशन एंड यूर मोस्ट वेलकम है